सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच कोई जानो अवर कछ सब प्रभु के हाथ सब प्रभु के हाथ सब प्रभु के हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ संग संतन साथ Hold on.
मत कोई जानो और कछ सब प्रभ के हाथ सब प्रभ के हाथ सब प्रभ के हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ वड भागी पाए साधु संगत के संग बसे वड भागी पाए साधु संगत के संग बसे वड भागी पाए के भीतर अंधेरा है घर के भीतर अंधेरा है पति पत्नी सोचते हैं अंधेरे को बाहर कैसे निकाले कहते जोर जोर से चिल्लाते हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक अंधेरा भाग जा चिल्लाते हैं दोनों पर अंधेरा नहीं जाता प्यार से बोलिए धन गुरु नानक फिर सोचते हैं झाड़ू मार के बाहर निकाल देते हैं झाड़ू मारते हैं दोनों कि अंधेरा बाहर चला जाए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक डंडों से पीटते हैं अंधेरे को कि अंधेरा भाग जाए
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई गुरुमुख वहां से गुजरा, कहता क्या कर रहे हो? कहने लगे अंधेरे को भगा रहे, अंधेरा जा नहीं रहा। अंधेरा जा नहीं रहा। गुरुमुख कहता दीपक जलाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दीपक जलाया, अंधेरा भाग गया। बड़े ध्यान से बात को समझना। दीपक जगाया, अंधेरा भाग गया। हमारे भीतर है अज्ञान का अंधेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अज्ञान के अंधेरे में रस्सी भी सांप दिखाई देती है, आदमी ठोकरे खाता है। ठोकरे खाने का मतलब सिंपल है कि भीतर अंधेरा है अज्ञान का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे जीवन में दुख है, कभी किसी से झगड़ रहे हैं, कभी किसी से लड़ रहे हैं, कभी मन में क्लेश है। कारण क्या है? भीतर अज्ञान का अंधेरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसे कैसे दूर करोगे? इसे कैसे दूर कर सकते हैं? डंडों से पीट कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं बाहर के जितने भी कर्म कांड तू कर ले, जो कुछ कर सकता है कर ले, उससे तेरे भीतर के अज्ञान का अंधेरा नहीं जाएगा। चाहे तू नेक काम कर ले, दान पुण्य कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थों पर स्नान कर ले, जो बाहर के कर्म कांड है सब कर ले, तेरे भीतर का अंधेरा बाहर के कर्म कांड से नहीं जाएगा। वो जाएगा तो एक ही तरीका है, भीतर नाम का दीपक जिस दिन जल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस दिन भीतर नाम का दीपक जल गया, अज्ञान का अंधेरा भाग जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब ज्ञान हो गया तो बात खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब एक दूसरी बात सुनिए ध्यान से। अब पॉइंट यहां पर यह है कि भीतर के दीपक जले कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सवाल जब खत्म होता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है कि भीतर के दीपक को प्रकाशित कैसे करें। जो वाणी कह रही है, महापुरुष उदाहरण देते थे। एक औरत अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रही है, ढूंढती जा रही है। बहुत लोग वहां से गुजर रहे, देख रहे हैं, कुछ ढूंढ रही, कोई कुछ नहीं कह रहा। एक आदमी को दया आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते माता क्या ढूंढ रही है? कहने लगी मेरी सुई गुम गई है, यहाँ पर सुई गुम गई है, वो ढूंढ रही हूं मैं। वो कहते मैं मदद कर देता हूँ। वो भी ढूंढने लग जाता है। काफी समय तक दोनों ढूंढते रहते, सुई नहीं मिलती। फिर वो पूछता है आदमी, माता थोड़ा ध्यान से बता कहाँ गिरी थी, मैं वहां ढूंढू, क्योंकि सुई है बारीक चीज है, काफी समय से ढूंढ रहे नहीं मिल रही, तू बताए कि गिरी कहाँ थी, थोड़ा तकरीबन एक जगह बता दे कहाँ गिरी थी। कहने की गिरी तो घर के अंदर थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहता है माता, सर पे हाथ मारता है, सुई गिरी घर के अंदर, ढूंढ रही है बाहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, पर हमारा भी यही हाल है, पातशाह कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुख है भीतर, ढूंढ रहे हैं बाहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ये गाड़ी मिल जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, वो बंगला मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये औहदा मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। बाहर सुख है ही नहीं, गलत जगह ढूंढ रहे हैं। सुख है भीतर, चाहे सारा जीवन ढूंढते रहो नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहाँ मिलेगा? एड्रेस बताया, यहाँ पर एड्रेस बताया। अगर सुख चाहिए तो एक काम कर ले। क्या करो? श्रवण कीजिए, गा रहे हम। साधु संगत के संग बसे, वड पागी पाए। साधु संगत के संग बसे, वड पागी पाए। साधु संगत के संग बसे, वड पागी पाए। साधु संगत के संग बसे, वड पागी पाए।
दीवा बने अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए, उगवे सूर न जापे चंद जह ज्ञान प्रकाश अज्ञान मिटन। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, पहली पंक्तियां क्या आई, सुख कहाँ है, साध संगत के संग वसे बड़ भागी पाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पता नहीं क्या बात है, इस बार मैं कोई भी शब्द ले रहा हूं, मैं सोच कर नहीं लेता, पर बात आकर सत्संगत पर ही खत्म हो रही है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इस चाले में बार बार एक पॉइंट ही बार बार आ रहा है, साध संगत। कि चाहिए तो साध संगत में आ जा, और सत्संगत करनी कैसे है वो रूल्स तो हम समझ ही चुके हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सुख चाहिए तुझे, तेरे भीतर के नाम का प्रकाश हो जाए अगर तू चाहता है, तो साथ संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ संगत में करना क्या है, जो हर गुण गाए, ये नहीं साथ संगत के संग बसे, सत्संगत में आ गया और बातें करे कुछ और करे नहीं, जो संगत में आके प्रभु के गुण गाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सागर सोई तरह इस भवसागर को वही पार कर पाएगा जो हर गुण गाए, कहाँ पर, साथ संगत के संग वसे वडपागी पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि क्या होगा अगर तेरे हृदय का दिया जल गया तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दीवा बले अंधेरा जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल, नाम का प्रकाश हो गया, अज्ञान का अंधेरा खत्म। वेद पाठ मत पापा खाए, कहते वेद पाठों को गलत मत कहो, झूठा मत कहो, वेद कते कहो मत झूठे, झूठा जो ना बिचारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर तू वेदों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के हिसाब से अपने आचरण को बनाएगा, वैसा चलेगा, तेरे पाप खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उगवे सूर ना जापे चंद, जब सूरज निकलता है चांद दिखाई देना बंद हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं, उगवे चूर उगवे सूर ना जापे चंद जय ज्ञान प्रकाश अज्ञान मिटत। जिस दिन ज्ञान का सूरज प्रकाशित हो गया, अज्ञान खत्म हो जाएगा। अज्ञान क्या है, हम तो अज्ञान से भरे पड़े हैं, ये वास्तु शास्त्र, ये जो कुछ भी है, जादू टूना मंत्र, ये सब अज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम डरते हैं इसलिए हैं क्योंकि अज्ञानी हैं। जिस दिन ज्ञान हो गया, मुस्कुराएंगे इनके बारे में सुन के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर कब तक है, रस्सी कब तक सांप लग रही है, जब तक अंधेरा है, रोशनी हो गई तो ये तो रस्सी है, हंसेगा आदमी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अज्ञानी है, नींबू मिर्ची देखेगा पड़ा हुआ साइड में से गुजर जाएगा, अरे नींबू मिर्ची, क्योंकि अज्ञान है, डर है। ज्ञान है, कोई फिक्र नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस छोटी सी पॉइंट ले रहा है, कहने के बाद किसी भी प्रकार के भरम से ऊपर उठ जाएगा, किसी भी प्रकार से। ये सब भरम ही है जिनसे हमें डराया गया है, डराया जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक जगह दास कीर्तन करने गया था, तो दास ने यही बात की थी, हाथ में पत्थर वगैरह डालते हैं ना, पत्थर डालते ना, ये पत्थर से ये होगा, वो पत्थर से वो होगा, बहुत लोग पहनते हैं, नग पहनते हैं, तो वाणी तो इसे एकदम 100% निखेत करती है कि नहीं, इनमें कुछ नहीं रखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर मानने वाले मानते हैं क्योंकि डराया जाता है उन्हें। हॉस्पिटल में एक बात ध्यान से समझना, होता क्या है ना, हॉस्पिटल में मरीज गए हैं, अब आपके पास में कोई खड़ा होकर प्रार्थना करे कि आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो गए तो आपको क्या लगेगा, प्रार्थना से ठीक हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या सब मर जाते जो हॉस्पिटल में जाते हैं, 2-5% मरते हैं, 95% तो वापस ही आते हैं ना। अब जो ठीक हो गया उनके भरम बढ़ गया कि हमारे लिए खड़े रह के प्रार्थना की थी इसलिए हम ठीक हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी तरह से धर्म परिवर्तन हो रहा है, हॉस्पिटल में जाके खड़े हो जाते हैं वो लोग, आपके आसपास जबरदस्ती प्रार्थना करने लग जाते हैं कि हो गॉड इसे ठीक कर दे। वो जो ठीक हो जाता है वो कहते हैं अरे मुझे इन्होंने ठीक कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मैं तो ये कहता हूँ अगर सच में ऐसा है तो फिर लंदन अमेरिका में तो हॉस्पिटल होने ही नहीं चाहिए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
हम डरे हुए लोग हैं, छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। और जिस दिन नाम का प्रकाश हो गया ना भीतर, एक प्रकाश तो छोड़ो बड़ी दूर की बात है, जो सत्संग में भी आ जाए रोज वो डरना बंद कर देगा, डर खत्म हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि जिस जब सूरज उग गया चांद की क्या भी साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जितने भी बाहर के कर्म है करके देख लो, अज्ञान का अंधेरा उससे नहीं मिटता। अज्ञान का अंधेरा मिटेगा तो केवल ये करना पड़ेगा, साधु संगत के संग बसे बड़ पागी पाए। 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 जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, बात बीच में रह गई। दास ने नगों के ऊपर बात की, तो जब अपने कमरे में आराम करने गया प्रोग्राम के बाद, तो एक आदमी आया वहां पे, मिलने आया मुझे। क्योंकि हुआ क्या था, जब हम भोजन खा रहे थे तो वो आदमी सबको नग बेच रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कथा से पहले, बहुत बड़ा उसका व्यापार है, महाराष्ट्र में ही है, बहुत बड़ा व्यापार नगों का। ये नग पहनो ये होगा, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़ी बड़ी हस्तियां उससे नग लेती हैं जाके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि हमारा काम हो जाए। तो मेरे कमरे में आया, मैं वहां पे उसको टोक दिया, क्योंकि मैंने हंस रहा था जब वो नग बेच रहा था, दिखा रहा था कि इससे होता है उससे वो होता है, बता रहा था लोगों को। और उसके बाद मैंने प्रकरण ये ले लिया, तो उसने सुना, कमरे में आया रात को। मैंने उससे मैंने पूछा कुछ खास काम, कहने लगा हाँ जरूरी बात है, कहने लगा आपने मेरे बिजनेस को खराब कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतने सारे लोग खरीदने वाले थे, मेरा बड़ा व्यापार है और आप इसके खिलाफ बोल रहे हो। मैंने कहा चल ठीक है, वो सारी बातें छोड़, मेरा अपना काम है तेरा अपना काम है, मैं स्टेज पे बैठ के झूठ तो नहीं बोल सकता, मुझे सच ही बोलना है, तू यहाँ पे तो मुझे सच बता दे। क्या सच में इनमें ताकत होती है तुझे लगता है? तुझे अपने ज्ञान के हिसाब से बता, क्यों गुरबाणी इसका खंडन कर रही है, तू व्यापारी है? कहते मैं ही नहीं, मेरे पिताजी मेरे दादाजी से हम इस व्यापार में, और बड़े बड़ी हस्तियां हमसे नग लेने आती हैं, लाखों करोड़ों रुपया देती हैं उसके बदले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जैसा कोई होता है वैसे पैसे दे देता है। तो मैंने कहा सच बता। कहने लगा बहुत असर होता है इनका, जरूर होता है, हमने खुद आजमाया है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तेरी अपनी राय है। चला गया सात संगत जी। दो घंटे बाद रात को 2:15 बजे फिर से आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैंने कहा अब क्या हुआ? कहने लगा जब से आपको झूठ बोला है चैन नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का कुछ हमें भी नहीं पता इससे कुछ होता है कि नहीं होता। वो खुद कह रहे हैं व्यापारी, जो उसके जो परदादा दादा से जो व्यापार कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता इससे कुछ होता कि नहीं होता। लोग मांगते हम भी बातें बना के दे देते हैं, किसी का काम हो जाता तो उससे लगता है कि इस नक की वजह से हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्या सबके काम नहीं होते? आधों के तो होने ही है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी का वीजा नहीं लग रहा तो उसका लगेगा ही नहीं क्या? कभी ना कभी लग जाएगा, वो सोचेगा मैंने पत्थर पहने तो लग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम इन भ्रमों में तब तक भटके हुए हैं जब तक हमारे अंदर अज्ञान है। ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कैसे होगा? सत्संगत में। सत्संगत क्या है इसे समझ लो। वाणी कह रही है कि अंदर के दीपक को जला। सत्संगत क्या करे? सत्संगत वो आग है जो हमारे दीपक को जला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक महापुरुष 3.5-4 घंटे रोज कथा करते थे एक ही पॉइंट पे, अनहद नाद, दशम द्वार, जो परे की बातें हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
परम ध्वनि कैसे उठती है, अनहद नाद कैसा होता है, कैसे उसको पाया जाता है, दसम द्वार तक कैसे पहुंचना है, 3-3.5 से 4 घंटे रोज प्रवचन करते हैं। ये सच्ची घटना बता रहे, कोई पुरानी नहीं, अभी की बात है। बहुत सारे लोग सुनते हैं, उनमें से कुछ ऐसे जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, होते ना मेरे जैसे, कुछ के समझ में नहीं आ रहा, इतनी गहरी बातें क्या कह रहे हैं वो, क्या अनहद नाद, क्या दसम द्वार, ऐसे करो वैसे पढ़ो, यहाँ पे इंगला, समझ में नहीं आ रहा, इंगला पीड़ा सुख मना बड़ा कुछ होता है इसमें, ये स्टेजेस हैं। तो उनमें से एक जो सच्चा था आ गया महापुरुषों के पास, कहने लगा आप इतने दिनों से मैं आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, इतने दिन हो गए 3.5-4 घंटे, पर सच कहूँ तो मुझे 1% भी समझ में नहीं आया, आप कहना क्या चाहते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तो मेरा तो दसम द्वार कभी नहीं खुलेगा, मेरा तो अनहद नाद कभी सुन ही नहीं पाऊंगा मैं, जिस चीज़ के लिए बैठा हूँ मैं, कि मुझे भी वहाँ पहुँचना है। कुछ लोग होते हैं, हमारी तो जिज्ञासा ही नहीं है ना, हमें तो अपनी दुकान से फुर्सत नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं है, हम तो सुबह आ गए बहुत कृपा गुरु की, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, यही निभवाली गुरु। महापुरुष मुस्कुराए उसकी बात सुन के, कहने के कुछ भी समझ में नहीं आया, कहने लगे नहीं, कहने लगे बस तू एक काम कर ले और कुछ मत करना, जीवन में एक काम कर लेना, तुझे और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, अपने आप कृपा हो जाएगी। कहने लगा क्या करूं, कहने लगे सत्संगत का भी मत छोड़ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सत्संगत जहां भी हो रही हो जाके बैठ जाना, सत्संगत वो कृपा है, अपने आप कृपा होती है, अपने आप प्रकाश हो जाता है हृदय में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, साध संगत स्थान जगमग नूर है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, साध संगत वो स्थान है जहाँ पर अपने आप हृदय में प्रकाश हो जाता है, अपने आप भीतर नाम चलना शुरू हो जाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है, अगर साध संगत वो स्थान है, सत्संगत जहाँ पे हमारे हृदय में प्रकाश हो जाना है, दिया जल जाना है, तो हमारा अब तक क्यों नहीं जला, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम अभी भी अज्ञानी क्यों हैं, हम अभी भी दुखी क्यों हैं, हम अभी भी झगड़े क्यों करते हैं, क्योंकि अज्ञान है, यानी कि प्रकाश नहीं हुआ, हमारा दीपक क्यों नहीं जला, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह इसे बड़ी डिटेल में समझाते हैं कि कमी कहाँ पर है, अगर वो तू कमी ठीक कर ले, दीपक प्रकाशित हो जाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई दो पंक्तियां पढ़ी, एहे साग सोई तरे, बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दिवाली मना रहे हैं आज लोग, पर असली दिवाली तो तब होगी भीतर का प्रकाश हो जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बाहर का दिया जला बुझ भी जाएगा, भीतर का दिया एक बार जल गया बुझेगा नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दीपक को जलने के लिए महापुरुष समझाते हैं 3 चीजों की जरूरत होती है, एक तो दीपक चाहिए, फिर उसमें तेल चाहिए, फिर उसमें बाती चाहिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसे जलाना है तो ये 3 चीजें तो चाहिए। अच्छा कहते हैं हमारा दीपक ऐसा है, दीपक तो है हमारे पास, ये शरीर को दीपक कहा है वाणी में, पर इसमें ना तेल है ना बाती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तो जले कैसे, सत्संगत में आके भी बुझा रह जाता है, क्योंकि इसमें हमने तेल नहीं डाला, इसमें हमने बाती नहीं डाली। तेल क्या है, पाशा कहते सत्संग में तो आ रहे हैं,
और उसके बाद फिर पूरा दिन सिमरन नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन का तेल डाल और बाती डाल करैक्टर की। करैक्टर किसे कहते हैं? जो गुरु कह रहा है, जो गुरु उपदेश कर रहा है उस पर चल नहीं रहे, सुन रहे हैं। मानो डॉक्टर के पास गए कि बीमारी है, डॉक्टर दवाई देता है, लाकर फ्रिज पर रख दी, टेबल पर रख दी, अब दवाई खा नहीं रहे और डॉक्टर से कह रहे बीमारी ठीक नहीं हो रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत में आ रहे हैं, गुरु उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, हम नहीं कर रहे तो वो बाती कैसे बनेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाती हो करैक्टर की, सिमरन का हो तेल, तो सत्संगत में आके दिया जलेगा ही जलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तक अगर हमारे दिए में प्रकाश नहीं हुआ है, हमारे हृदय में एक अज्ञान का अंधेरा है, तो कारण एक ही है, गुरु के उपदेश को सुन तो रहे हैं उस पर चल नहीं रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रीतम के देश कैसे? बातन से जाइए, बातें करके प्रीतम के देश तक कैसे पहुंचेगा? करनी करनी पड़ेगी ना। किसी को वहां से चार नंबर जाना है तो चलना पड़ेगा ना, कि यहाँ से मैं चार नंबर जाऊंगा कह के पहुंच जाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पाचक कहते तू बातें तो कर रहा है, बातें सुन भी रहा है और उस पर चल नहीं रहा, चलने की बाती डाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाचा समझाते हैं, श्रवण कीजिए। गुरु नानक पाचा। बिन तेल दीवा क्यों जले, पोथी पुराण कमाणी है, पौवट्टी इत तन पाई है, सच बूझण आण जलाइए, एह तेल दीवा यो जले, कर चानण साहब तो मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हमने अब तक ये समझा कि सुख भीतर है, बाहर नहीं। जिस दिन भीतर प्रकाश हो गया, भ्रमों से डर खत्म हो जाएगा। अब भीतर प्रकाश कैसे हो? सिमरन का तेल, हुक्म की बाती, जो गुरु कहता है उस हुक्म को मानना। अब सवाल यह उठता है, हुक्म सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि वो एक हुक्म मान ले बात बन जाए। कई लोग, हम सब हुक्म नहीं मान सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे हुक्म मानना कोई संत महापुरुष माने, हम अज्ञानी हैं, हम छोटे हैं, हमारी सोच छोटी है, हम कौन सा एक हुक्म मान ले के बात बन जाए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें तो शॉर्टकट चाहिए, लंबा चक्कर नहीं, सारे हुक्म मानेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाछा कहते हैं एक हुक्म। पांच प्यारे जब अमृत संचार करते हैं ना, तो पहला अक्षर उनका होता है अमृत वेले उठो नित्य नेम संभालो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पहला हुक्म, बाबा नंद सिंह जी के उपदेश, गुरु नानक पाशा का हुक्म, हर गुरु का, हर भगत का, हर संत का एक ही हुक्म, अमृत वेले उठो नित्य नेम संभालो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नित्य नेम पक्का कर लो, बस एक चीज ये संभाल लो, प्रकाश हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु को करना पड़ेगा, महापुरुषों के वचन है, हम में जो भी कमियां हैं, जो भी अवगुण हैं, उसे दूर करने पड़ेंगे, उसकी जिम्मेदारी आ जाएगी, वो करेगा सब, हमें सिर्फ आकर बैठना है अमृत वेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई दरबार नहीं आ सकता, घर में उठ के बैठे, समा संभालने के लिए कहा है, अमृत वेला, अमृत जगह नहीं, वेला कहते हैं टाइम को, अमृत का समय मत गवा, चाहे प्लेन में है, ट्रेन में है, कहीं पर भी है, हॉस्पिटल में भी है, बैठ जाओ उस वक्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नित नेम, जिसका नित नेम पक्का, रंग ही उनको चढ़ा है जिनका नित नेम पक्का, दाते ही बोलेंगे जिनका नित नेम पक्का। सारी हिस्ट्री दास ने फोली है, सारे संतों की, महापुरुषों की, जिन्होंने कुछ पाया है, उसके पीछे एक ही चीज थी, नित नेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी जैसा नहीं, एक दिन उठे दूसरे दिन, आप सोचो गुरु अमरदास जी 72 साल की उम्र में तीसरे गुरु नानक, गागर की सेवा कई शुरू की, कई किलोमीटर से गागर भर के लाते हैं, 12 साल में क्या बुखार नहीं आया होगा, क्या कई तरह के रोग नहीं आए होंगे, कि तूफान नहीं आया होगा, क्या नहीं आया होगा, एक दिन भी छुट्टी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कैसे इम्तिहान नहीं आए होंगे, लाते नहीं दुखी होंगे 72 साल की उम्र में, पर निभाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बन गए गुरु नानक के घर के वारिस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
नित्यनेम वो ताकत है निरंकार तक पहुंचा देती है। एक बड़ी प्यारी छोटी छोटी घटना ले लें, नित्यनेम की ताकत क्या है पता चले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। संत ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले, संत ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले, कमाल की घटना। एक बहुत ही गरीब माई, बहुत ही गरीब माई बेनती की, पाचा मैं आपकी सेवा किया करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वृद्ध शरीर है, बूढ़ी है, वो कह लेगी माया माता क्या सेवा करना चाहती। कहने मैं आपके लिए खीर बना के लाया करूंगी रोज, एक मुझे समा बता दो मैं आपके लिए खीर बना के लाया करूंगी। महापुरुष कहने लगे तेरा वृद्ध शरीर है कैसे लाएगी, तू रहने दे। कहने लगी नहीं मेरा बेटा मेरा हाथ पकड़ के ले आएगा, कभी कोई मेरा बेटा हाथ पकड़ के ले आएगा मैं आ जाऊंगी, मेरा मन है मैं सेवा करूं। महापुरुष कहने लगे तेरी मर्जी। और सात संगत जी पता कितनी खीर बना के लाती थी, छोटी सी डिब्बी हो ना, क्योंकि बहुत गरीब है, कुछ दाने चावल के, इतने से दूध में थोड़ी शक्कर डाल के, इतने के समझो दो चम्मच बने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीब है पर भावना देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो माई रोज एक फिक्स समय पे शाम का वक्त होता था वो खीर लेकर पहुंच जाती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कई सालों तक चलता रहा, एक दिन भी नागा नहीं। अब समय आ गया इम्तिहान का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, क्योंकि जब दाद देनी होती ना इसलिए दास कहता है। ये बात बड़ी ध्यान से समझना, बड़ी छोटी छोटी बातों की वजह से हम अमृतला छोड़ के बैठ जाते हैं। एक एक साल किसी का नेम निपटता है, दो दो साल निपटता है, फिर एक दिन छोड़ देते हैं। मत छोड़ा करो। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे जिस दिन कोई दांत मिलने वाली होती है ना कलयुग जोर डालता है, बुखार भी आएगा, डॉक्टर भी गोली दे देगा, इंजेक्शन लगा देगा, ऐसे काम दे देगा थकावट हो जाएगी कि आज मत जा। जिसका नित्यनेम पक्का है उसकी बात कर रहा हूँ, जो नेम संभालते हैं। और हम छोड़ के बैठ जाते चलो आज का दिन नहीं जाते तो क्या हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो दांतों वाला दिन था। अब इस माई के साथ भी यही हुआ, ऐसा तूफान, ऐसी बारिश, ऐसा पानी भर गया रास्तों में कि बूढ़ी कैसे आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर वाले भी रोक रहे हैं कि माता आज नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा, तेरे दो चमचे खीर के लिए थोड़ा बैठे हैं महापुरुष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगी उन्हें फर्क नहीं पड़ता दो चमचे खीर से, मुझे फर्क पड़ता है, मेरा नेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बूढ़ी माता उसके बेटे की शादी भी हो गई, पोते हो गए, छोटे पोते का हाथ पकड़ कर आ रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष अपने स्थान से चले इतने तूफान में, क्योंकि अंतर्जामी संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले चले रास्ते में आ रहे हैं खीर लेने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक के माता को चलना पड़ेगा। आधे रास्ते में आके वो खड़े हो गए, माता पहुंची पेड़ के नीचे खड़े तूफान में, बाबा ईश्वर सिंह जी मांग कर खीर लेकर खाई। और वो दूर खड़ी है माता, पोता पास में खड़ा है। आज बाबा ईश्वर सिंह जी पूछते हैं काम क्या करते हैं पिताजी तुम्हारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, क्योंकि दाते देने का दिन था, जो मन की इच्छा वो पूरी होनी थी। गरीबी थी बहुत, और जो गरीब होता है सबसे पहले सोचता है कि मेरे पास धन तो आ जाए, और वो जायज भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गरीब का ना कोई सत्कार करता है, गरीब को ना कोई पास बिठाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर गुरुमुख ऐसे नहीं होते, मनमुख ऐसे करते हैं, याद रखना। हम में से कोई ऐसा ना करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में तो भावना यही थी, पोता कहता है काम क्या करने भूखे मरते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सीधी सीधी सिंपल बात कही, छोटा बच्चा था, काम क्या करने भूखे मरते हैं, हम खाने को मिलता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले ने उसके कंधे पे हाथ रखा और वचन किए, तू कहता भूखे मरते हैं, तुम्हारे यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हवाई जहाजों के इतने झूठे खाओगे, पंजाबी में झूठे कहते हैं झूले को, इतने झूठे खाओगे हवाई जहाज के कि खाते खाते थक जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज ये परिवार बाहर रहता है और इतने हजारों लोग उनके नीचे काम करते हैं, वचन किनके, बाबा ईश्वर सिंह जी के, क्यों मिले वरदान ये नित्यनेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो माता ने नेम निभाया, दो चमचे खीर की बात नहीं है यहाँ पर, उसकी भावना देखिए, गरीबी होते हुए भी सेवा कर रही है और उसके बाद नेम निभा रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना तो सबने सुन रखी होगी, एक लड़का पत्थर मारने जाता था शिव भगवान की मूर्ति को, और एक फूल चढ़ाने जाता था मंदिर का पुजारी, दोनों मित्र थे पर एक आस्तिक था एक नास्तिक। वो रोज फूल चढ़ाने जाता है मंदिर खोल के, और पत्थर मारने वाला पत्थर मारने जाता है रोज,
बिना नागा, दोनों का नेम पक्का है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। एक नफरत करता है भगवान से और एक पूजा करता है। आ गया तूफान, बारिश, पानी भर गया, जो फूल चढ़ाता है वो कहते हैं आज घर में चढ़ा देता हूँ, भगवान को फूल ही चढ़ाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पत्थर मारने वाला पक्का था नीम का, वो चला गया, कहने का पत्थर तो जरूर मार के आऊंगा, तूफान क्या बिगाड़ लेगा। वो तूफान में भी गया, मंदिर खोला, पत्थर मारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, मांग क्या मांगता है, तूने अपना नियम निभाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये महापुरुष घटना सुनाया करते थे बहुत बार। अब पत्थर मारने के लिए बुद्धि तो नास्तिक की थी ना, ज्ञान तो था नहीं। कहने के मैं बकरियां चढ़ाता हूँ, तो बकरियां कभी पीछे निकल जाती है, कभी यहाँ निकल जाती है, मेरी सारी तरफ आंखें दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारे हाथ दे दो, बहुत सारी आंखें दे दो, ताकि मैं बकरियों को आराम से चरा सकूँ। भगवान तथास्तु कह के चले गए। अब इसकी आंखें ही आंखें, हाथ ही हाथ। जब बाजार से गुजरा, लोगों ने सोचा राक्षस आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पत्थर मार मार के मार दिया, रोज पत्थर मारता था, मिला पत्थर ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर नेम पक्का था, दर्शन हो गए, ज्ञान होता अगर वो नेम निभा लेता वो पा जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नित नेम बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। नित नेम को लेके अगर मैं बैठ गया, ये सब्जेक्ट बीच में आ गया एक्चुअली में, तो ये बहुत बड़ा है। बाबा नंद सिंह जी यहाँ तक कहते थे, जिसका नित नेम पक्का ना, उसके 100 गुना माफ, बड़े से बड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुना माफ, क्योंकि नेत्रिम की इतनी ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नितनेम मत छोड़ो, नितनेम गुरु नानक की बाह है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एहे सागर सोई तरे, बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी, अखंड कीर्तने जत्थे के प्रधान, जिन्होंने अखंड कीर्तने जत्थों की शुरुआत की। अखंड कीर्तने जत्था सत्संग, जब आप इनका कीर्तन सुनेंगे ना, 24 घंटे, 48 घंटे, एक एक आदमी 18 घंटे बैठ के कीर्तन करते हैं, इतनी चढ़ती कला में करते हैं, कोई थकावट नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अलग ही जोश भरा है इनमें गुरु ने, भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी ने, क्योंकि इनका नित्यनेम बड़ा पक्का है। इनका जितने भी अखंड कीर्तने वाले होते हैं ना, इनका जीवन देखेंगे तो ऊंचा सूचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और कीर्तन में जब बैठते हैं, आप देखेंगे स्टेजेस पे कीर्तन होता है, कोई बैठ रहे तो उसके बारे में पहले प्रशंसा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, फिर सिरोपा, फिर दूसरे की प्रशंसा, इन्हीं में टाइम निकल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर एक बैठता है, दूसरा उठता है, एक बैठता है, दूसरा उठता है, किसी का नाम तक नहीं पता होता कीर्तन कौन कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये शब्द से जुड़ते हैं, धुन से नहीं जुड़ते, गायक से नहीं जुड़ते, गाने वाले से नहीं जुड़ते, ये शब्द से जुड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई साहब रणधीर सिंह जी अपने जीवन की घटना बताते हैं कि नित्यनेम की ताकत क्या, कहने के मुझे तब पता चला। कहने के नया नया अमृत छका मैंने, अमृत संचार किया उन्होंने, तो जब नया नया कोई अमृत छकता ना, एक जोश होता है उसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर एक में होता है, पर बाकी को ठंडा हो जाता कुछ देर के बाद, कुछ लोग संभाल लेते हैं। कहने के जोश में था मैं, इतनी बाणी पढ़ने का मन करे, इतना बाणी पढ़ने का आनंद है, रंग में था, पता नहीं क्या रंग चढ़ा अमृत छकने के बाद, कि पूरा पूरा दिन श्री सुखमणि साहब जी का एक पाठ खत्म, दूसरा चालू, एक पाठ खत्म, भूखे ना मिटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसके बाद जब समाज मिलना किधर, आना जाना, तो हर कदम पे अभ्यास वाहिगुरु का,
हर कदम पे वाहेगुरु सिमरन अपने आप भीतर चलना शुरू हो गया कुछ ही दिनों में। पर नित्यनेम गुरु साहब जी की कृपा से पक्का बख्शा हुआ था, जो नेम था वो पक्का। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के 3 से 4 महीने हुए थे नित्यनेम निभाते हुए। मेरे ताए का लड़का बीमार पड़ गया, वो चर्सी था, शराब भी पीता था, मांस भी खाता, दुनिया के सारे गलत काम करता था। ऐसी बीमारी हो गई कि मरने की हालत तक पहुंच गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताए का घर पास में ही था। चलिए मेरी माता कहने लगी, जा उससे जाके मिला, तेरा भाई है, कजिन कहते हैं जिसे, जाके मिला, आखिरी सांसें ले रहे। कहले जब मैं वहां गया तो चिल्लाने की आवाज आ रही थी, परिवार सारा घबराया, पास में खड़ा है ताया का परिवार और वो चिल्ला रहा है, डर रहा है, बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, लेने आ गए जमदूत, आ गए मार डालेंगे मुझे, मुझे बचा लो, ये ऐसे बोल रहा है वो जो लेटा हुआ है, जोर जोर से चिल्ला रहा है कि बचा लो मुझे, जमदूत आ गए लेने के लिए। कहने लगे जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, भाई साहब रणधीर सिंह जी कहते हैं, एकदम शांत हो गया, देखने लगा मेरी तरफ, कहने लगा आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास बैठ जाओ, ठंड पड़ गई, शांत हो गए, वो चले गए आपको देख के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कहने लगे मेरी समझ में कुछ नहीं आया क्या हो रहा है, मैं पास में बैठ गया, हाथ पकड़ लिया उसने मेरा कि मुझे छोड़ के मत जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा हुआ क्या है? कहने लगा आपके आने से पहले खड़े थे वो लेने आने के लिए, डरा रहे थे मुझे, इतने खतरनाक चेहरे। कहने लगे कौन? कहने लगा जमदूत, जो सुना है ऐसे होते वही थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कौन होगा? और किसी को दिखाई नहीं दे रहा, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। और जैसे ही आपने कमरे में प्रवेश किया वो चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब रणधीर सिंह जी कहने लगे मैंने मन ही मन गुरु नानक का शुक्राना किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन ही मन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का शुक्राना किया। पाछा तेरे नाम की इतनी ताकत, अभी तो केवल 3-4 महीने हुए मेरे को नित्यनेम संभालते हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मैं काफी समय पास बैठा रहा, आखिर में तो जाना था। जब चला गया, दरवाजे के बाहर निकला, उसने फिर से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मुझे बचा लो। कहने लगे मैं समझ गया, वापस मुड़ा, मैंने घर वालों से कहा कि अब इसके आसपास सुखमनी साहब जी का पहरा लगा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वास्थ्य तो इसके निकलने हैं, डॉक्टर ने कहा है, पर शांति से निकल जाएंगे, जमदूत नहीं लेके जा पाएंगे अगर बाणी का पहरा हो गया। बाणी का पहरा लगा दो। सारे घर वालों ने मिलकर श्री सुखमनी साहब जी का पाठ शुरू कर दिए। एक पंक्ति आगे बोल रहे बाकी सब साथ में। कहने लगे कुछ समय बाद उसने प्राण त्याग दिए पर मुस्कुराते हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिल्लाया नहीं वो। कहने लगे मैं चला गया, जब वापस आकर पूछा कि प्राण कैसे थे आगे, तो कहने लगे बिल्कुल डर नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं, मुस्कुरा रहा था बस, अब डर खत्म, बाणी चल रही है, बाणी की ताकत को समझ नहीं पाया आज तक। मैं बार बार कहता हूं ये तो चलो ऐसा है ना कि मृत्यु पक्की थी, अगर समझो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा है कि बच सकता है, उम्मीद नहीं है बचने की, बच सकता है। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, सुखमनी साहब जी का पहरा लगा दो वहां पे, एक उठे दूसरा बैठे, एक उठे दूसरा बैठे, हॉस्पिटल में पाठ शुरू कर दो, जमदूत नहीं आ पाते पास में, पहरा लग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मौत नहीं आई है, ये अन्यायी मौत होती है, महापुरुष समझाते थे 100 बार इंसान की मौत आती है, 100 बार मरने से पहले एक होती पक्की मौत, अटल है जो, उससे कोई नहीं बच सकता, उससे पहले भी 100 बार आती है इंसान की, 99 times वो बच जाता है जिसे संतों के संगत प्राप्त हो, साथ संगत प्राप्त हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसके टल जाती है। एक दिन तो सबको मरना है, पर अन्यायी मौत नहीं मरता वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कभी किसी पे ऐसा मुश्किल समय आ जाए, अन्यायी मौत दिखाई दे रही है, बाणी का पहरा लगा दो, जहां बाणी आ गई, बाणी गुरु, गुरु है गुरु आ गया वहां पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक नित्यनेमी आ गया वहां पे, जमदूत नहीं आ सकते, जहां गुरु आके खड़ा हो जाए वहां कैसे जमदूत आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाल नारायण मेरे जमदूत ना आवे नेड़े, ए सागर सोई तरह जो हर गुण गाए, जो प्रभु के गुण गाएगा इस भवसागर से पार हो जाएगा, साध संगत के संग वसे वडभागी पाए। सत्संगत में आके वडभागो वाला जो सत्संगत में आ गया, बहुत बड़े भाग हैं, बानी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मैं ये सोचता हूँ कितनी बार दास ने बात कही भी है शायद, कितने अभागे होंगे कि सत्संगत पाने के बाद भी अगर ना पा पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
आओ गुरु को अरदास ही करें कि पातशाह तरस कर, तू ही तरस कर, आओ मिलके आज अरदास करें गुरु नानक के चरणों में। पव सागर तो तू पार लंघा, मेरे डूब दे दी तू बाह पकड़, मेरी बाह पकड़, मेरी बाह बिन तेरे।
रखे आसर
रखी मेरा सर Oh.
शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा।
स्वामी।